और बर्फबारी के आसार लगातार बने हुए हैं। उत्तराखंड में 6 जिलों में बर्फबारी की संभावना है। उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री में बर्फबारी हो सकती है, तो वहीं यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में भी बर्फबारी की पूरी संभावना है। पूरे उत्तराखंड में ठंड की लहर और बढ़ने के आसार हैं। इसके साथ ही मैदानी इलाकों में भी भारी बर्फबारी के चलते ठंड और बढ़ सकती है, तो टेम्परेचर का टॉर्चर जारी रहेगा आने वाले कुछ दिनों तक। मौसम विभाग द्वारा भी चेतावनी दी गई है, अलर्ट जारी किया गया है कि ठंड और बढ़ने के आसार बने हुए हैं। उत्तराखंड के 6 जिलों में बर्फबारी की संभावना है, और कौन कौन से वो जिले शामिल हैं आपको बता देते हैं। उसमें उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री, यहां पर बर्फबारी हो सकती है, तो इसके साथ ही यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में भी भारी बर्फबारी की संभावना है। तो आपको बता दें कि मैदानी इलाकों में इस बर्फबारी के चलते ठंड और बढ़ सकती है। जिस तरीके से लगातार बीते 2 दिनों से पूर्वानुमान लगाया गया था मौसम विभाग द्वारा कि बारिश होगी, हल्की से मध्यम बारिश होगी, तो उसी कड़ी में मैदानी इलाकों में बारिश का दौर भी जारी है, और इसके साथ ही उत्तराखंड के 6 जिलों में बर्फबारी की संभावना है। उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ इसमें शामिल है। ये 6 जिले हैं जहां पर बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। तो ऐसे में सैलानियों की अगर बात की जाए तो वो काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड के चकराता में बर्फबारी हुई है, क्योंकि सैलानियों को, पर्यटकों को लंबे समय से बर्फबारी का इंतजार था, और इसके बाद वो ठंड के बावजूद यहाँ पर बर्फ का लुत्फ उठाते नजर आए हैं। आने वाले समय में टेम्परेचर में और भारी गिरावट दर्ज की जा सकती है, क्योंकि बर्फबारी का दौर जारी रहने वाला है। मौसम विभाग ने 6 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है, और इसके साथ ही सावधानी बरतने की भी अपील की है। पूरे उत्तराखंड में ठंड का प्रकोप बढ़ेगा आने वाले समय में, और इसको देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है 6 जिलों में, और अनुमान लगाया है कि आने वाले समय में, आने वाले 3 से 4 दिनों तक बर्फबारी का दौर जारी रहने वाला है। उत्तराखंड के 6 जिलों में बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। आने वाले 3 से 4 दिनों में बर्फबारी लगातार जारी रहेगी, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, तो वहीं इसके साथ ही आपको बता दें उत्तरकाशी, इन तमाम जिलों में पूरी तरीके से बर्फ की चादर ढकी रहेगी, और लगातार बर्फबारी का दौर भी जारी रहेगा, जिसके चलते मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ने के पूरे आसार हैं। तमाम अपडेट के लिए रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद मुजम्मिल का, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद, जिस तरीके से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, बर्फबारी का दौर लगातार जारी है, क्या स्थिति है इस वक्त वहां पर? आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 2 दिनों से लगातार रिमझिम हल्की हल्की बारिश जो है वो हो रही है निचले इलाकों में। तो जब निचले इलाकों में बारिश होती है तो संभवतः जो ऊंचे इलाके होते हैं, पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, उनमें बर्फबारी का दौर शुरू हो जाता है। हालांकि आपको बताना चाहूंगा कि पिछली बार बर्फबारी जो है चकराता और उसके आसपास जितनी ऊंची पहाड़ियां हैं वहां दिसंबर में, 22 दिसंबर से वहां पिछली बार बर्फबारी शुरू हो गई थी, लेकिन इस बार ये बर्फबारी कुछ देरी से शुरू हुई है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि निचले इलाकों में जिस तरीके से बारिश हो रही है पिछले 2 दिनों से, तो कल देर शाम जो है चकराता जो हिल स्टेशन है, बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन है, दुनिया भर से लोग वहां आते हैं घूमने के लिए, पर्यटक आते हैं, तो उससे जुड़ी जितनी पहाड़ियां हैं, ऊंचे क्षेत्र हैं, जिसमें खड़म्बा, लोखंडी, बहुत खूबसूरत जो जगह है, वहां बर्फबारी काफी बड़ी मात्रा में वहां बर्फबारी हुई है। और चकराता जो टूरिस्ट प्लेस है वहां पर भी अभी हल्की बर्फबारी हुई है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि 9 तारीख तक जो है मौसम ऐसा ही बना रहेगा, बारिश लगातार निचले इलाकों में बारिश और जो पहाड़ी इलाके हैं वहां बर्फबारी होती रहेगी। तो पर्यटकों के लिए और जो स्थानीय लोग हैं, दुकानदार हैं, और जो जिस तरीके से चकराता हिल स्टेशन है तो वहां पर होटल व्यवसाय बहुत ज्यादा है, होटल व्यवसायों के लिए बहुत खुशी की खबर है। और जैसे ही सुबह आज लोगों ने वहाँ होटल में जो टूरिस्ट ठहरे हुए थे उन्होंने जैसे ही सुबह वहाँ बर्फबारी के नजारे देखे तो तस्वीरों में हम साफ देख रहे हैं कि वो पर्यटक बड़े खुशी के मारे बर्फबारी से खेलते नजर आए।
और उम्मीद जताई जा रही है कि अगले कुछ दिनों में बर्फबारी की इस खबर को देखते हुए देश भर से अलग अलग जगहों से लोग बर्फबारी का लुत्फ उठाने चकराता पहुंचेंगे। जी मोहम्मद जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आपसे और भी तमाम अपडेट लेते रहेंगे।